करहर पुलिस को देख चालक ने दौड़ाई रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। टायर फट जाने से गड्ढे में फंसा ट्रैक्टर, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चालक को किया गिरफ्तार। खबर करहल से है जहां प्रतिबंधित रेत का कारोबार दलालों के माध्यम से खूब फल फूल रहा है। रात के अंधेरे में आई हुई रेत दलालों के बताए स्थान पर खाली कर दी जाती है। करहल में रेत को 8 से 10 हजार रुपए तक की मोटी रकम में बेचा जाता है। कई दिनों से करहल पुलिस को विभिन्न माध्यम से पुलिस को इस रेत कारोबार की सूचना मिल रही थी, जिस पर आज करहल पुलिस ने अवैध रेत के परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के लिए सुबह से ही फील्डिंग सेट कर ली थी। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही रेत भरकर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बरगवा से करहल की तरफ आ रहा था, तभी पुलिस ने ट्रैक्टर को रोककर ट्रैक्टर के कागज और रेत संबंधी रॉयल्टी के कागज मांगे, जिसे ड्राइवर दिखा ना सका और ट्रैक्टर भगा कर ले गया। जिसे पकड़ने पुलिस ने ट्रैक्टर का पीछा किया, तभी आगे चलते स्टेडियम के सामने ट्रैक्टर का टायर फट जाने से ट्रैक्टर गड्ढे में जा फंसा, जहां से पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर और रेत से भरी ट्रॉली थाने में जब्त कर ली। ड्राइवर ने अपना नाम रामविलास रावत निवासी वीरपुर बताया है, जिस पर पुलिस ने IPC की धारा 379, 414 और खनिज अधिनियम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अभी सवाल उठता है कि जिले में पदस्थ ईमानदार पुलिस अधीक्षक के सख्त रवैये के बावजूद भी प्रतिबंधित रेत से भरी ये ट्रैक्टर रास्ते में पड़ने वाले इतने थानों से को कैसे पार कर जाते हैं। पुलिस को ये ट्रैक्टर दिखाई नहीं देता है, देखना ही नहीं चाहते। वहीं करहल क्षेत्र में दलालों के इशारों पर हर रोज 4 से 5 रेत की ट्रॉलियाँ आती हैं। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सर, जो आज रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली आज जो पकड़े हैं, क्या कार्रवाई की गई सर इन पर? उन पर कार्रवाई की गई, उन पर FIR हो गई है। एक सोनाली का ट्रैक्टर है DI 745, जो कि श्यामपुर काउपुर का बताया जा रहा है, उस पर FIR हो चुकी है। जबकि कई दिनों से हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे, चोरी छिपे करके ये कार्रवाई कर रहे थे। तो आज हमारी मतलब टीम ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें एक ट्रैक्टर में रेत के जब्त किया गया है, जिस पर धारा 379 IPC और 421 अधिनियम जो खनिज एवं विकास विनिमय अधिनियम का एक्ट मतलब लगाया गया है, जो कि अपना घटनास्थल है जी खेल मैदान अपने कराल के मतलब सामने। बताते हैं सर कि कुछ कराल में दलाल सक्रिय हैं जो रेत की अवैध ट्रॉली रात में अंधेरे में मंगवाते हैं और यहाँ पे मोटे दामों में बेचते हैं सर। नहीं, ऐसा तो कोई मतलब पुलिस को ऐसी जानकारी नहीं है, अगर होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर अभी कार्रवाई सतत जारी रहेगी? हाँ, कार्रवाई हमेशा जारी, क्योंकि अवैध मतलब कुछ भी हो, चाहे मतलब शराब हो या रेत हो, मतलब कुछ भी हो, उनके प्रति हमेशा पूरा थाना हमेशा मतलब सतर्क मतलब कार्रवाई करेगा।